तूने वो भूतों पीछे की किताब संभाल के रखी है ना, कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ से यहाँ आ गए और भूत किताब चुरा के ले गए। प्रीतम, जिस तिजोरी में मैंने वो भूतों पीछे छुपा के रखा है, वो तिजोरी सिर्फ और सिर्फ प्यारे के यानी मेरे अंगूठी के प्रिंट से ही खुलती है। अब ये कांडी हमारी मदद करेगी। मैं जूलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में जाऊंगा और पता करूंगा ये कौवों को कैसे भगाया जाए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ काक बजुका ही इन कौवों को भगा सकता है। ये देखो, ये तुम्हारे मौसा जी के कपड़े हैं। ये कपड़े पहनकर वो निकलते थे, तब कौवे उनको देख के भाग जाते थे। और इसमें हंसने वाली क्या बात है, भागते थे कौवे, डरते थे। मासी, कपड़े दिखाओ। अरे वाह, कितने अच्छे कपड़े हैं ना। बाकी इन कपड़ों में तो काफी हैंडसम काक बजुका बनेगा। नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी बताइए ना, कैसे लग रहा हूँ मैं, बताइए बताइए। प्यारे, काम पर ध्यान दो, काम पर। वो देखो उसको, वो कितने सिंसियरली काम कर रहा है। थैंक यू। देखा, मैरिज को भी पता सिंसियरली कौन काम करता है। मेरी जी तो है ही बोली, उन्हें क्या पता कौन सिंसियरली काम कर रहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्यों मेरी मेरी जी? प्यारे, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैंने कुछ गलत बोला तो क्यों हंसा? पता चल गया। ओ चल, काक बजुका बनाते हैं। मेरी जी, अब जैसे ही कोट के बटन लग जाएंगे ना, तो ये काक बजुका एकदम तैयार। सॉरी। मासी, आपका काक बजुका रेडी है। मासी, अब आपकी चिंकी, पिंकी, टिंकू, रिंकी, पिंकी जो भी है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखा मासी, कितना हैंडसम काक बजुका खड़ा किया है ना, बिल्कुल मेरी तरह। तो तू खड़ा हो जाना काक बजुका की जगह। देखा देखा मेरी जी, मैंने कितने सीधी तरीके से बात की। टेढ़े में तो हमेशा ये घुसता है, मैं एकदम सीधा हूँ। मौसी जी, क्या देख रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मौसा जी खुद सामने आकर खड़े हो गए हो। जल्दी अंदर आओ ना, गरम खाना खाओ ना, खाना रेडी है। प्रीतम भी रेडी है। क्या भूख नहीं लगी है? चुप रहो। वैसे मासी जी, खाने में क्या है? मैंने पापड़ के गुलाब जामुन बनाए, चलो। आइए ना, आइए। हाँ, चल रही हूँ। समझ में आया ना कि करना क्या है? हाँ, मुझे सब समझ में आ गया। पहले मुझे उस प्यारे के शरीर में घुसना है, फिर उस तिजोरी तक पहुंचना है जिसमें वो भूतोपीडिया रखा है, फिर उस प्यारे के अंगूठे के जरिए उस तिजोरी को खोलकर उसमें से भूतोपीडिया चुरा लेना है। हाँ, करेक्ट। लेकिन सबसे जरूरी ये बात है कि उस वक्त प्यारे का घर में मौजूद होना जरूरी है। क्या कहते हो आप उसकी? वैसे मुझे कहने की आदत तो है नहीं, फिर भी कहता हूँ, वो दोनों घर से बाहर गए। कोई बात नहीं, हा? वो दोनों जैसे वापस आएंगे, हम अपना काम शुरू करेंगे। प्यारे, सपने में कोई लड़की देखी है क्या? सीटी बजा रहा है।
प्रीतम गुदगुदी मत करना। प्यारे प्यारे बस कर, अब कोई गुदगुदी नहीं बस। प्रीतम तुझे कैसे पता चला कि सपने में मैं मेरी जी के साथ आइसक्रीम खा रहा था? आइसक्रीम? तूने मेरी जी के साथ आइसक्रीम खा भी ली? खाने ली, खाने ही वाला था, लेकिन इतने में तूने गुदगुदी करके उठा दिया। ये पता चला ना मैं मेरी जी के साथ हूँ। चल चल मस्ती मत कर, पहले तूने सीटी बजाई फिर तूने मुझे गुदगुदी की, इस बात के लिए मैं मेरी जी की कसम खा सकता हूँ। हाँ तो मैं भी तो मेरी जी की कसम खा सकता हूँ, मैंने गुदगुदी नहीं की, नहीं की, नहीं की। प्यारे अगर तूने मुझे गुदगुदी नहीं की तो फिर किसने की? कुछ तो गड़बड़ है। प्यारे इसका मतलब तेरे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई और भी है? हाँ है ना मेरी जी। तेरे और मेरे अलावा ये और तीसरा कोई है? और गुदगुदी इस बात का सबूत है। क्या करें प्रीतम? ये तो अब सुबह होने पे ही बताऊंगा, ये अब क्या करें? क्या मासी? मासी ये क्या? अरे ये मेरे टीकू के लिए है। ठीक है मासी, अब हम लोग चलते हैं। आपके हाथ का पापड़ खाना खा के बहुत अच्छा लगा। और मेरे हाथ का डंडा खा के बहुत जोर से लगा। अब मुझे आपसे कुछ कहना है। ला 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 ला। सॉरी। पिंकी जी अगर हो सके तो वो जोक्स वाली किताब आप मत पढ़िएगा। पिंकी हंसना नहीं, मुझे दौरा पड़ेगा भ्रम का। नहीं नहीं पिंकी जी प्लीज हंसिए मत। डरा दिया मैंने आपको, डरा दिया। आपको मेरा मजाक कैसा लगा? अच्छा लगा भाभी। अभी अभी जो मजाक किया अच्छा लगा? ये भी जोर से लगा। अच्छा मौसी जी अब हम चलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपके साथ रहके। अब आपको सर के घर जरूर आना है। अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, कोई नानुकुर नहीं चलेगी। अब देखिए प्रीतम प्यारे ने ये काक बजो का लगा दिया है ना, अब आपके पापड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तू सच कह रही है बेटी, टीकू को बोलना मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, तुझे अच्छा वर मिले। थैंक यू। अजी सुनती हो? ए जी सुनती हो? मेरी बेटी सुनती हो? मैंने मेरी मेरी बोला, तूने सिर्फ मेरी बोला, ये तो जोक हुआ। कहती सारी जनता है जोक पे हंसना बनता है। नहीं मैं पिंकी, पिंकी हंसना नहीं। बहुत पिंकी ये क्या किया, पड़ गया उनको भरम का दौरा। अरे पिंकी बेटा देखो प्रीतम प्यारे जा रहे हैं रेलगाड़ी से। अरे उनको बाय बाय करो, देखो रेलगाड़ी निकल पड़ी। अरे प्रीतम प्यारे बाय बाय। समस्या आ गई भारी, इन्होंने समझा तुमको रेलगाड़ी। अब चुप चुप बोलो, चुप चुप बोलो, चुप चुप बोलो।
गधे, बेवकूफ, निकम्मे, नकारे। जानू, अब मेरे भाई इसको ऐसे क्यों कह रहे? लेकिन मैंने क्या कहा? सर, अभी आपने कहा ना, नकारा, निकम्मा। मैंने ऐसा कहा? अच्छा अच्छा, हाँ, आज के बाद ये मैं नहीं बोलूंगा। तुम लोगों ने मेरी मौसी की हेल्प की है, उनके वहां का भूत भगाया है, अरे कमाल कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। तो इस बात पे एक पप्पी हो जाए। पप्पी? मैं कैसे दे सकता हूँ पप्पी? क्यों? मुझे शर्म आती है। लेकिन जानू, शर्माने वाली कौन सी बात है, इन दोनों ने काम ही इतना अच्छा किया है। तुम इन दोनों की बात कर रही थी? हाँ, आपको क्या लगा? नहीं, मैं भी वही समझा। अरे, ऐसे में हंसने वाली क्या कहावत है? अभी पता चलेगा। कमाल है। इसमें हंसने वाली क्या बात? ये तो जीजा जी, जब आप अपनी पप्पी लेंगे तो आपको पता चलेगा। हा? खुद को पप्पी? वो आपकी मुझे लग रही थी। प्यारे, ये क्या हुआ? लगता हमारी लैब में घुसपैठ हुई है, कोई घुसपैठिया आया है हमारी लैब में। सेम टू सेम हमारी। प्रीतम, प्यारे, प्रीतम, प्यारे, वो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक वो मालिश वाला आया था। मालिश वाला? हाँ, वो मालिश वाला आया था और उसके तेल में ही कुछ ऐसा था जिसकी सुगंध से मैं और गोगी दोनों बेहोश हो गए। अच्छी बात यह है कि उसने घर में कोई चोरी नहीं की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे लैब की ये हालत उसी ने की है। लेकिन जीजाजी, किसी इंसान को हमारे लैब में आके क्या मिलेगा? हाँ हाँ, भूत होता तो अलग बात थी। करेक्ट, भूत होता तो अलग बात थी। क्या? क्या? अरे भूत होता तो भूतों पीढ़िया बिल्कुल सेफ है। देखता हूँ इसके पन्ने सेफ है कि नहीं। सेफ है। वैसे भी ये भूतों पीढ़िया मैंने जिस तिजोरी में बंद करके रखा है वो मेरे सिवा कोई नहीं खोल सकता। प्रीतम, प्यारे, मुझे लगता है हमारे घर का प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जिसका डर था वही हो गया। प्रीतम प्यारे को हम पर शक हो गया है। अब हमें हमारा अगला दाव सोच समझ कर खेलना होगा। वैसे मुझे खेलने की आदत तो है नहीं, फिर भी भूतरीना, अगर प्रीतम प्यारे ने प्रोटेक्शन बढ़ा दी तब तो भूतों पीढ़िया चुराना और मुश्किल हो जाएगा। खुशकी। हाँ। जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां भूतरीना का भूतिया दिमाग खुल जाता है, समझे? वैसे मुझे समझने की आदत तो है पर अब नहीं समझा। कांडी लगाओ। कहाँ लगाओ कांडी? पुस की। हाँ। ये कांडी लगाओ। अच्छा, ये प्यारे के शरीर के अंदर घुसेगी और उस भूतो पीढ़िया को हासिल करेगी। जैसे ही कांडी प्यारे के शरीर में घुसेगी तो उनका सारा प्रोटेक्शन फेल हो जाएगा। लेकिन उनके भूतों के खिलाफ बना हुए यंत्रों का क्या? वो यंत्र तभी असर करते हैं जब कोई भूत उन्हें दिखाई देते हैं। जब कांडी प्यारे के शरीर में घुसेगी
वो उन्हें नहीं दिखाई देगी और उनके सारे यंत्र बेअसर हो जाएंगे। उसके बाद कांडी उस भूतोपीडिया को हासिल करेगी और दारा आजाद होगा। जैसा कि मैंने कहा था, भूतों का बादशाह कहलाएगा, दारा कोयला आएगा, आएगा, आएगा। उसकी खुश। ये मेरे बबलू, पिंकू, चिंकू, जानकी। हाँ, जानकी भी। इतने साल हो गए, फिर भी उनकी आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। जब भी मैं पापड़ सुखाने आती हूँ ना, उनकी बहुत याद आ जाती है। कैसे वो कच्चे पापड़ ही खाया करते थे। मगर मैं मेरे पिंकू, चिंकू, सोनू की तरफ उनको फटकने भी नहीं देती थी। जानकी, तुम हमेशा अपने पापड़ों में उलझी रहती थी, कभी मेरी तरफ ध्यान दिया ही नहीं, कभी मुझे गर्मा गर्म खाना खिलाया ही नहीं। अब मैं तुम्हारे ये सारे के सारे पापड़ खा जाऊंगा, सारे के सारे पापड़। मौसी, मैंने बहुत डंडे खाए हैं, अरे बहुत मार खाई है लोगों की मैंने। लोग मुझसे पापड़ मांगते और जब मैं उन्हें पापड़ नहीं देता हूँ तो लोग मुझे डंडे से मारते। सबको मौसी के पापड़ चाहिए। बस आप पापड़ की सप्लाई पहले जैसी कर दीजिए। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, अब मैं पहले जैसी पापड़ सप्लाई करूंगी। हाँ ठीक है मौसी। पापड़ बड़ा करारा है, दादी का दुलारा है, खा के बताओ कैसा है। अरे ये अलमारी तो बहुत अच्छी है। मौसी, मैं व्यापारी उज्जन। अरे ये अलमारी बोलती भी है पिंकी। जा, ये अलमारी मजबूती की नहीं है, देखने के लिए जा डंडा लेके आ। जी दादी। जा जल्दी लाओ पिंकी, बोलने वाली अलमारी ला ला पिंकी। देख देख, हाँ देख, मजबूत है दादी, मजबूत है। अरे खाक पता चलेगा ऐसे मार के, मैं देखती हूँ। मैं कौन हूँ दादी? हाँ, मैं कहाँ हूँ? हाँ, और वो फूलचंद कहाँ गया? दादी, फूलचंद चाचा तो अभी अभी गए। और तू डंडा लेके क्या कर रही है? डंडा दादी? हाँ, बाहर पापड़ सूख रहे हैं, मुझे दो कौवे दिख रहे हैं। कौवे? सोनू, चिंकू, रोनी, पिंकी, मैं आ रही हूँ, मैं आ